चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। बाट देख रहा कद को पेमेंट आऊंगा एक एक दो दो पर्चिया में और नूल तेल तमाकू में चली जाओ। नोएडा में धरना चल रहा, बसाना चीनी मिल पे, मलकपुर में, शामली में तीन तीन धरने चल रहे। के पास इतना पैसा है क्यों जो बेसिक कोटा है यहाँ के किसान का उसका पेमेंट कर सका दोबारा? इसके आंदोलन की बागडोर किसान के हाथ में है, किसान के। अरे कुछ दिन ठहरे कुछ अच्छे तरह, कुछ दिन कनखल में, कुछ दिन कनखल में, अरे कुछ दिन ठहरे बियाबान में, प्रेम पर है जल में, हो प्रेम पर है जल में, अरे कुछ दिन ठहरे गोकुल में, रे उड़े किरसन वासी करे। किसान पर देखो कितनी आफत है, अपना गन्ना तो गिर दिया, बाट देख रहा कद को पेमेंट आऊंगा एक एक दो दो पर्चिया में और नूल तेल तमाकू में चली जाओ। मेल के अधिकारी अगर सुन रहे हो कान खोल का सुन लो, जो सुन रहे हो अपने मालिक तो बात कर लो, यहां आओगे फिर कहोगे हमारे बस की बात नहीं, हम बात करें हम बतावेंगे। एक बार सूल बात करके अपनी पक्की सलाह करके और यहां से हमारे बीच में आ जाइयो, अधकाल बात लेकर आइयो, अधकाल बात लेकर आओगे तो नुकसान उठाओगे। ये झूठ बोल के, मतलब ये हमें वही किसान सोच रहे जो 100 साल पहले थे। इन्होंने झूठ बोल बोल के, झूठ बोल बोल के 13 महीने तो वहां बैठाऊ रख के हम दिल्ली शासन पे, दिल्ली सड़कों पे। अब एक बात बताओ, अगर किसी सरकार को किसान का हित है, जो निर्णय 13 महीने बाद उस आदमी ने लिया वो 13 घंटे में भी लिया जा सके था, वो 13 दिनों में भी लिया जा सके था, लेकिन नहीं, इन्हें किसानों की बिल्कुल परवाह नहीं है इस बारे में, बिल्कुल उस 13 महीने के उसमें धरने में। और आज देख लो नोएडा में धरना चल रहा, बसाना चीनी मिल पे, मलकपुर में, शामली में तीन तीन धरने चल रहे, कोई सुन ले रहा? अधिकारी तक नहीं आते, या इन सरकार की हालत हो रही? किसान को कैसी समस्या है? समस्या ही समस्या है सर, ये पैसा मिल जाए अपना कुछ जाग तो पढ़ाई पढ़ू लगा भी आप ही होकर लाने कुछ भी नहीं हो रहा है कि भाई मोदी जी भी नो कह दिया एक बार पूरा पेमेंट, योगी जी भी नो कह दिया पूरा पेमेंट, यहाँ तो 3 महीने का पेमेंट हो गया पड़ा, किसान कैसे काम चला होगा भाई? बच्चों की फीस नहीं दे सकता, हरी बीमारी भी है, अगला सीजन भी है लिया, ऐसा है नहीं, अपने साधन भी ठीक करे आदमी, अपनी हरी बीमारी भी दिखावे, गन्ना यहाँ डाल दिया पैसा मिला नहीं किसान को। अगला सत्र भी चलने वाला, आप गन्ना देंगे या नहीं या भुगतान होगा? आज नहीं ना गन्ना देखा था, अपने कोल्लू में घेर का खर्चा चलाओगे, किसको गन्ना देंगे? कोल्लू में घेरना पड़ेगा, किसी बात जाओ 200 जाओ 150 जाओ। और हमने यहाँ भी एक मील की अपनी किसान भाइयों की एक टीम गठित करी छोटी सी, क्योंकि समस्याएं बहुत है, इस मील वाले का दिमाग खराब हो रहा, यहाँ के किसान का मैं बताऊं टिकेट साहब ये सम्मान भी नहीं करता भाई, नजर वजह आ रहा है अंगा पैसा देना नहीं सोच रहा, इसकी बैलेंस शीट भी देखी लखनऊ तभी पता लगा इसके पास इतना पैसा है क्यों जो बेसिक कोटा है यहाँ के किसान का उसका पेमेंट कर सका दोबारा? अगला नगद शासन प्रशासन का क्या कहना है जी? शासन प्रशासन का क्या कहना है? शासन प्रशासन तो बोल दे एक बार पेमेंट कर दो, कर कौन रहा, सुन किसी की रहा, यहाँ कोई नहीं सुनता किसी प्रशासन की, हर प्रशासन की यही बात है। इलाज क्या होगा मतलब ऐसे, अगर इलाज तो इसका लट होगा भाई, और कुछ नहीं होने का, 8 बजे की जोटे वाली छोड़ने के नहीं हम, इसकी एक बार दंगे ये मामा पे नहीं पाओगे, इसकी एक बार दंगे, हूँ तो कह जड़ साफ लेकर आओ
इब जड़ तो हम साफ करके ले आवा पेमिट भी तो मना कर दो पैसा हमें देता नहीं इब हम बार भी हमने कर ली मास्टर ने करे पीछे लिया भाई पीछे कहाँ चला जी पेमिट नहीं देता पीछे कहाँ चला हुआ है सरकारी नौकरी माही नहीं लगती बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोग की जीत है आप लोग जीतोगे क्योंकि अब इसके आंदोलन की बागडोर किसान के हाथ में है किसान के ये निश्चित जीतोगे। बयातन नेता एक होगा जब जीतता जाएगा और जब नेता इतने हो जाएंगे तो जब जीतता जाएगा बीच की जो लड़ाई पड़ा है ना इसमें किसान को भी नुकसान होता है। आप लोगों को किसान ने यह कहा कि 30 नवंबर तक का शेड्यूल लेकर आओ दोगे कैसे कैसे उस पर आप लोगों की कोई बातचीत नहीं यानी कि आप झूठ बोल रहे आप झूठ बोलने का काम कर रहे भाई। 385 करोड़ का एक तो ब्याज की क्योंकि लिखा पढ़ी में भी आप लोगों को आना पड़ेगा जब 385 करोड़ तो ज्यादा बैठे डबल उस तय बैंक बैंक कहीं लगा लो तुम जो है जी। किसान शहीदों का बलिदान किसान शहीदों की बलिदानी अभी तो ली अंगड़ाई है अभी तो ली अंगड़ाई है जब तक दुखी किसान रहेगा अब जब तक दुखी किसान रहेगा ये सामली क्रांतिकारी भूमि है तीनों तीन जगह आंदोलन चला रखे निश्चित।